कतर। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश 1922 तक बसावट के काबिल नहीं समझा जाता था। यहाँ रहने वालों में बड़ी आबादी मछुआरों और मोती चुनने वालों की थी। ये खानाबदोश थे जो अरब देशों में घूमा करते थे। साल 1930 में जब जापान ने मोतियों का प्रोडक्शन शुरू किया तो कतर की इकोनॉमिकल कंडीशन और भी खराब हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग देश छोड़कर विदेशों में बसने लगे। यहाँ की आबादी घटकर महज 24,000 रह गई। एक तरह से पूरा देश खाली हो चुका था। लेकिन फिर आया साल 1939 का। कतर के वेस्ट कोस्ट पर दोहा से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे दुकान में मिले ब्लैक गोल्ड ने इस देश की किस्मत बदल दी। ब्लैक गोल्ड यानी कि तेल के कुएं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद कतर ने तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और यहीं से कतर पर शुरू होती है पैसों की बरसात। कतर के हालात बदलने लगे। जिस देश में लोग रहना पसंद नहीं करते थे वहां की आबादी अब तेजी से बढ़ने लगी और 1970 तक ये 1,00,000 के पार पहुंच गई। 1971 में यानी कि ठीक एक साल बाद इंजीनियर्स ने यहां पर नेचुरल गैस रिजर्व खोज निकाला जो कतर के आधे हिस्से यानी कि 6,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। इसके बाद तो जैसे कतर के वारे न्यारे हो गए। यहाँ के GDP 3.7% से बढ़कर 26.2% हो गई और पर पर्सन GDP जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं वो 50,00,000 से भी ज्यादा हो गई। यानी कि कतर में रहने वाला हर इंसान अमीर बन गया। अब ऐसा ही कुछ हुआ सऊदी अरब के साथ। साल 1930 के दशक तक सऊदी अरब में अलग अलग कबीले रहते थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। यहाँ के लोग ऊंट और भेड़ बकरियों के सहारे अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन साल 1932 में यहाँ के प्रिंस शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद को ये पता चलता है कि उनके देश में तेल का बहुत बड़ा रिजर्व है। वो इस तेल को निकालने के लिए अमेरिकी कंपनी से डील करते हैं। 1938 में खुदाई शुरू हुई और इस देश की जमीन से इतना तेल निकलता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। इसके बाद सऊदी अरब के भी कतर की तरह ही वारे न्यारे हो गए। तेल बेचकर सऊदी अरब कमाई के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया। जो लोग 60,000 रुपए कमा रहे थे वो 14,00,000 रुपए कमाने लगे। यहाँ के लोग भारत के लोगों से भी 63 गुना ज्यादा अमीर हो गए और आज ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। दोस्तों, सऊदी और कतर की किस्मत बदली यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज ने। नेचुरल रिसोर्सेज वो खजाना है जिसका सही इस्तेमाल किसी भी देश को मालामाल कर सकता है। और आज हम आपको इस बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक खजाना भारत के हाथ भी लग गया है। जी हाँ, हाल ही में आ रही खबरों के मुताबिक भारत में 60,00,000 टन का व्हाइट कोल्ड का रिजर्व मिला है जिसकी कीमत बताई जा रही है 34,00,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये कहाँ मिला है? क्या इससे वाकई भारत कतर और सऊदी अरब जैसा अमीर हो जाएगा? अगर हाँ तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे करंट की इस दिलचस्प क्लास में। 9 फरवरी 2023 ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर स्टेट के रियासी में उन्हें लिथियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। इस लिथियम को ही व्हाइट कोल्ड कहते हैं। ये रिजर्व छोटा मोटा नहीं बल्कि 60,00,000 टन का था। देखते ही देखते ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आ गई और पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर है। लेकिन सवाल ये है कि लिथियम में ऐसा क्या खास है? लिथियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह बताई गई थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था जो रूस के लिए एक खतरा हो सकता था। लेकिन कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि इसके पीछे की एक वजह थी व्हाइट कोल्ड। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाते हैं कि यूक्रेन के ईस्टर्न एरिया में करीब 5,00,000 टन लिथियम का रिजर्व है जिसे निकालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से डील की थी। रूस भी इस रिजर्व को पाना चाहता था। हालांकि रूस के पास खुद 10,00,000 टन लिथियम का रिजर्व है
लेकिन वो साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में था और उसे निकालना काफी महंगा पड़ रहा था, इसलिए रूस को अपनी जरूरत का लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता था। कई रिसर्चर मानते हैं कि इस यूक्रेन के लिथियम पर कब्जा करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने इराक या सीरिया जैसे देशों पर अटैक किया था, लेकिन अगर ऐसे ही युद्ध लिथियम के लिए होते हैं तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि लिथियम के रिजर्व तेल के कुओं से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन क्यों, क्या काम आता है लिथियम और क्यों इसकी इतनी डिमांड है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्कूली नॉलेज याद करना होगा। दोस्तों, स्कूल में आपने पीरियोडिक टेबल तो जरूर पढ़ी होगी। इसी टेबल में तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। ये दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। ये इतना लाइट वेट होता है कि आसानी से पानी में तैरने लगता है और इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये चांदी जैसी सफेदी वाला केमिकल मेटल है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। इसकी इसी क्वालिटी के कारण इसका यूज बैटरी बनाने में किया जाने लगा। 1991 में सोनी कंपनी ने पहली बार एक कैमकॉर्डर में लिथियम आयन बैटरी का यूज किया था। इससे पहले लेड बैटरीज यूज होती थी। साइंटिस्ट ने पाया कि लिथियम बैटरियां लेड बैटरियों के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। ये लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होती। उन्होंने जिन स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार में इन्हें लगाया, उन्हें लंबे समय तक ड्राइव किया जा सकता था। जिन स्मार्टफोन्स में इन बैटरियों का यूज हुआ, वो एक बार की चार्जिंग में ही पूरा दिन काम कर रहे थे। फिर क्या था, बड़े लेवल पर लेड बैटरीज को लिथियम बैटरीज से रिप्लेस कर दिया गया। देखते ही देखते फोन, घड़ी, लैपटॉप, रिस्ट वॉच, जहां जहां भी बैटरी का यूज हो रहा था, वहां सब बैटरियों को लिथियम बैटरी से रिप्लेस किया गया। इस वजह से लिथियम की वर्ल्ड मार्केट में डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ती चली गई। इसे देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने लिथियम का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इन बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आज चीन इनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और दुनिया की 79% लिथियम आयन बैटरियां चीन में बनाई जा रही है। भारत भी अपना 80% लिथियम चीन से मंगवाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में भारत ने 6000 करोड़ का लिथियम खरीदा था, जिसमें से 3500 करोड़ का लिथियम सिर्फ चीन से आया था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कितना सारा पैसा चीन में जा रहा था। हालांकि अब इंडिया में जो रिजर्व मिला है वो चीन के टोटल रिजर्व से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि इस रिजर्व को अगर हम यूज कर पाते हैं तो हम चीन से लिथियम खरीदने के बजाय उसे बेचने की स्टेज पर आ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल की डिमांड दुनिया भर में 2050 तक 500% बढ़ जाएगी। ऐसे में लिथियम का महंगा होना बिल्कुल तय है। हालांकि अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि लिथियम ही क्यों, क्या बैटरीज बनाने के लिए कोई और मिनरल्स यूज नहीं हो सकते? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये बात सोची नहीं होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे एनर्जी के नेचुरल सोर्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और फॉसिल फ्यूल्स घटते जा रहे हैं। दुनिया भर में इनके ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ऑप्शन ऐसे हों जिनसे भी पोल्यूशन ना हो। यही वजह है कि दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। क्लीन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जिसके इस्तेमाल से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता। इसी में आती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, यानी कि सूरज और हवा से पैदा होने वाली ऊर्जा। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी। लेकिन इसे बनाने वाले विंड टर्बाइन और सोलर पैनल में भी लिथियम बैटरीज का ही यूज होता है। साथ ही जब सूरज ना चमक रहा हो और हवा ना बह रही हो, तब भी लिथियम बैटरियों में स्टोर एनर्जी का लोग यूज कर सकते हैं और इससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और स्कूटर्स में भी इन्हीं बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि आप सड़कों पर जो बैटरी रिक्शा देखते हैं उनमें भी यही बैटरीज लगी होती है। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में लिथियम की डिमांड 51 गुना तक बढ़ जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट्स ने लिथियम आयन बैटरियों का ऑप्शन खोजने के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और यहाँ तक कि कटहल को भी आजमा लिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई।
यही वजह रही कि दुनिया भर की एनर्जी जनरेट करने वाली कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ गई और इसी वजह से इसका प्राइस वर्ल्ड मार्केट में तेजी से बढ़ने लगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2027 तक दुनिया को 15 अरब लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत होगी और इसके लिए चाहिए होगा लिथियम। दुनिया भर के बड़े बड़े देश मिलकर भी इतने लिथियम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे इस डिमांड को पूरा किया जा सके। ऐसे में अगर हमारा देश 60 लाख टन के इस रिजर्व को यूज करके एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो हम ना सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर लिथियम की डिमांड को पूरा कर पाएंगे बल्कि हमारे देश में काफी जॉब्स भी क्रिएट होगी और इंडिया की इकोनॉमी भी कतर और सऊदी अरब जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दोस्तों, इतना सब सुनकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सुनहरे दिन आखिर आएंगे कब, कब इस लिथियम का एक्सपोर्ट शुरू होगा। दोस्तों, यहीं पर आकर इन सारे सुनहरे सपनों पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिला है वो G3 कैटेगरी का है। आसान भाषा में समझाएं तो ये मिनरल धरती के नीचे कई स्टेजेस में मिलता है। अगर ये जमीन के बहुत ज्यादा अंदर होता है या बहुत नीचे होता है तो माइनिंग में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है और इसे G4 स्टेज में या फिर G3 कैटेगरी में रखा जाता है। अगर माइनिंग आसान हो तो G2 या G1 कैटेगरी में इसे रखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिला है वो हिमालयन रीजन में आता है। यहाँ पर माइनिंग करना भी आसान नहीं है। ज्यादा माइनिंग होने से भूकंप आ सकता है, धरती खिसक सकती है, सीधे सीधे कहें तो जोशीमठ वाला हाल हो सकता है। 2022 में पब्लिश हुई एक नेचर कंजर्वेसी रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम की माइनिंग से सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वाइल्ड लाइफ और लोकल लोगों को होता है। वहीं इसे निकालने में बहुत ज्यादा पानी भी खर्च होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक टन लिथियम निकालने के लिए 2 मिलियन लीटर पानी का खर्च आता है। भले ही लिथियम क्लीन एनर्जी का सोर्स हो लेकिन इसे निकालने में कार्बन भी काफी ज्यादा रिलीज होती है। यानी अगर लिथियम की माइनिंग शुरू हुई तो आसपास का पूरा इलाका इतने पोल्यूशन से भर जाएगा कि यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि GSI ने 23 साल पहले ही ये पता लगा लिया था कि जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना में एक बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व है, लेकिन ये इतना अंदर था कि तब तक इसे निकालने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई थी, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आज टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है लेकिन फिर भी 5 से 7 सालों का वक्त लगेगा ये पता करने में कि यहाँ पर लिथियम की माइनिंग कैसे होगी और कैसी इस लिथियम की क्वालिटी होगी और इसे बेचा कैसे जाएगा। फिलहाल तो ये तक कहना मुश्किल है कि इस लिथियम रिजर्व को कभी निकाला जा सकेगा या फिर नहीं। साल 2021 में लिथियम का ऐसा ही एक रिजर्व कर्नाटक में भी मिला था। GSI को पता लगा था कि 1600 टन लिथियम रिजर्व कर्नाटक की जमीन में दबा है, लेकिन ये भी G4 कैटेगरी का था। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिला है वो 60 लाख टन का है जो कि काफी बड़ा है और कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी कीमत 34 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में सरकार इसे निकालने की कोशिश तो कर सकती है लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव के माने तो उनके मुताबिक इस क्षेत्र में माइनिंग की जा सकती है या नहीं ये जानने के लिए हमें स्टेज 1 और 2 की स्टडी का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, लिथियम की बढ़ती इम्पोर्टेंस का ही नतीजा है कि साल 2019 में लिथियम आयन बैटरियों की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। दुनिया में जिस तरह बेहिसाब लिथियम बैटरीज की डिमांड बढ़ रही है उस नजरिए से देखा जाए तो लिथियम का इतना बड़ा रिजर्व मिलना किसी जैकपॉट मिलने जैसा है। लेकिन ये जैकपॉट भारत के लिए जैकपॉट साबित होता है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आप हमें ये बताना ना भूलें कि ये करंट की क्लास आपको कैसे लगी। क्लास काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली क्लास किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अपने सजेशन इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।